हेल्थ इज वेल्थ, कितना सुंदर वाक्य है ना, पर क्या हम कभी इस वाक्य पर जरा भी अमल करते हैं? मुश्किल है, क्योंकि आजकल की दौड़ भाग वाली लाइफस्टाइल में खुद को फिट रखना ही एक बहुत बड़ी चुनौती सी हो गई है। हम बस इधर से उधर भाग रहे हैं, और ऐसे में एक व्यक्ति का स्वस्थ तभी माना जाएगा जब वह फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट है। सुनने में ज्यादा जरूर लग रहा होगा, पर मान्यवर सच्चाई यही है। और कोरोना महामारी ने हमें सिखाया भी तो है कि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में सबसे ऊपर अपनी हेल्थ को रखें, उसके बाद ही किसी दूसरी चीज को जगह दें। और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1950 से पूरी दुनिया में लोगों के सेहत के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाता है। पर भारत में अक्सर आस पड़ोस वाले ही हेल्थ पर ज्यादा जागरूकता फैलाते हैं, जब ये अपना तथाकथित ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन इसमें अधिकतर हेल्थ से जुड़े कई मिथ होते हैं जिनका पालन हम कई सालों से बेवजह कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम ऐसी हेल्थ से जुड़ी उन मिथ के बारे में बात करेंगे जिसे सच समझकर एक बड़ी आबादी फॉलो करती आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं सुरमई टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। अक्सर हम देखते हैं कि हेल्थ से जुड़े टिप्स हमें घर में ही दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, और हम इस बात का पालन भी करते हैं। असल में डॉक्टर इस बात पर कहते हैं कि पानी पीते वक्त बस पानी के टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए। और रही बात खड़े होकर पानी पीने की, तो यह है कि जब खड़े होकर पानी पिया जाता है तो स्पीड के साथ आपके भोजन की नली से गुजरता हुआ आपके पेट के सबसे निचले वाले हिस्से में गिर जाता है, और जिस स्पीड में पानी जाता है वह पेट और आसपास के ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब कि यह आपके पाचन क्रिया पर भी असर डाल सकता है और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खड़े होकर पानी पीने से आपको गठिया की शिकायत भी हो सकती है। और आपने यह भी नोटिस किया होगा कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वास्तव में प्यास नहीं बुझती, इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि जब भी आप खड़े होकर पानी पिए तो सिप सिप करके पिए, एक साथ ढेर सारा पानी पीने से बचें। अब इसके बाद आता है कि खाना खाने के बाद तुरंत बेड पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि 10 मिनट वॉक कर लेने चाहिए, क्योंकि सच है। और इसके लिए एक नहीं अनेक फायदे हैं, जैसे खाना खाने के बाद वॉक करने से आपका वजन हमेशा कंट्रोल में रहेगा, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहेगा, जो कि बेहद ज़रूरी है। वहीं दूसरे तरीके से इसे देखा जा सकता है तो वॉक करने से पेट हमेशा ठीक रहता है, साथ ही खाना भी तुरंत पच जाता है। इसके लिए हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब हम खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो शरीर में एंडोफिन हार्मोन रिलीज होती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। अब अगला आता है कि क्या गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो इसका जवाब हाँ में ही है, क्योंकि गाजर में विटामिन ए होता है, इसलिए इसे खाने से आईसाइट बढ़ता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास एक्सरे विजन आ जाएगी। और आइए अब कुछ पॉइंट्स में जान लेते हैं कि खुद को स्वस्थ कैसे रखा जाए। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगर आप रोजाना सिर्फ 1 मिनट भी दौड़ लेते हैं तो हड्डियाँ 4% ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के लीसेस्टर विद्यालय की रिपोर्ट कहती है कि जो महिलाएं 60 से 120 सेकंड रनिंग करती हैं उनकी बोन्स डेंसिटी ज़्यादा बेहतर होती है। अगर एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है तो रोज़ 1 मिनट में 25 स्क्वाट्स करने की कोशिश कीजिए, इससे बॉडी बैलेंस होती है और सीधे बॉडी के कोर पर असर होता है, हाथ, पैर, चेस्ट सहित बॉडी का हर पार्ट मजबूत होता है। काम के दौरान तनाव होना आम बात है, इसीलिए जब तनाव हो या एकता की कमी महसूस हो तो सिर्फ 1 मिनट गहरी सांस लें और उसे छोड़ें। अपनी सांस पर फोकस करें, इससे हार्ट बीट संतुलित हो जाएगी और तनाव भी दूर रहेगा। हर घंटे में कम से कम एक बार 1 मिनट के लिए योगा करें, कुछ स्ट्रेच करें या फिर अपने पसंदीदा गाने सुनें, इससे दिमाग और शरीर दोनों रीसेट हो जाते हैं, आपको अधिक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। और अगर आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है तो इससे बचने के लिए हर आधे घंटे में स्क्रीन से 20 सेकंड नजरें हटाएं और 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखें। और इसी के साथ जब आप खाना खाएं तो बीच बीच में 1 मिनट का ब्रेक भी लें, इससे आपको एहसास होगा कि अभी आपको कितने भोजन की और जरूरत है, इससे पाचन शक्ति बेहतर होती है और साथ ही ओवर ईटिंग से भी आप बचते हैं। अब आखिरी में 1 गिलास पानी बैठकर पिएं और सोने से पहले 1 मिनट निकालकर कुछ काम जरूर करें, जैसे अपना बिस्तर ठीक करें, बिस्तर के पास की मेज को व्यवस्थित करें, क्योंकि विशेषज्ञ बताते हैं कि 1 मिनट का यह टाइम मैनेजमेंट आपकी नींद को बेहतर बनाएगा और आप स्वस्थ बन सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।